आज हम करने वाले हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रैशनलाइज करना है। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप अपनी वीडियो को देखते हुए किसी एक ऐसी जगह बैठे जहां पर डिस्टरबेंस ना हो और एक मिनट भी आप इसमें स्किप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर चार पार्ट है। मैं पहला पार्ट करवाता हूं, 1/√7 को आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो सिंपल है, अगर सिंगल टर्म है तो बहुत आसान है, डबल टर्म है तो छोटा सा चेंज करके वो भी बहुत इजी है। ठीक है, पहले सिंगल टर्म का देख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 डिवाइडेड बाय √7। दैट मीन्स सेम नंबर जो आपको इस नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7, ये भी लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 डिवाइडेड बाय √7 एंड द आंसर इज √7 डिवाइडेड बाय √7, बिकॉज 2 7 है यहां पर √7 तो स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसल, तो आंसर आ जाएगा √7/7। ये आपका आंसर आ गया। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 2 में, आपको दिया गया है 1/√7 − √6, बिकॉज यहां पे डबल टर्म है। ठीक है, देखिए यहां पे सिंगल टर्म थी, √7 से √7 मल्टीप्लाई किया वो स्क्वेयर हो गया, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, तो आसानी से हो गया था। यहां पे कुछ सोचना पड़ेगा ताकि हम इन दोनों के रूट कैसे कैंसिल कर पाए। उसका एक ही तरीका है, a − b a + b। तो क्या करेंगे, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7। देखिए यहां पे लिखना क्या है, आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, क्योंकि एक तो सिंपल सा अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो क्या है, जो बीच में साइन है उसको चेंज कर दो, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस कर दो। लेकिन इसका कोई पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, है माइनस को प्लस क्यों कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं बिकॉज यहां पे क्या है, a − b, तो यहां क्या बना दीजिए, a + b, जिससे क्या होगा, a − b a + b a² − b² बन जाएगा। दैट्स वाई हमें यहां पे साइन चेंज करना पड़ता है। वी गेट 1/√7 − √6 √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 + √6। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √7 + √6 डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पे लिखा a − b a + b, तो यहां बन जाएगा √7 2। और ध्यान रखना है यहां पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज a² − b²। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यहां पे आप इसकी प्रॉपर्टी भी लिखिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज किया, तो यहां पर लिखें बिकॉज a − b multiply a + b = a² − b², ये आपने यहां पे प्रॉपर्टी यूज की है, तो इसे शो भी करेंगे। उसके बाद ऊपर वाली क्वांटिटीज के साथ कुछ नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेंगी, √7 + √6, और नीचे क्या है 7, क्योंकि √7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 7 − 6 क्या होता है 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √7 + √6, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 की,
तो पार्ट नंबर थ्री में 1 बाय रूट फाइव प्लस रूट टू दिया है, यहां पर भी कितनी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी, तो यहां पर भी आपको a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बाय रूट फाइव माइनस रूट टू, यहां पे प्लस है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा माइनस, वी गेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए यहां पे वन रूट फाइव प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट फाइव माइनस रूट टू। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके नाउ सो इट विल बिकम रूट फाइव माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय रूट फाइव स्क्वेयर माइनस रूट टू होल स्क्वेयर एंड वाई, राइट द प्रॉपर्टी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आंसर नोट डाउन करेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव का स्क्वेयर फाइव, रूट टू का स्क्वेयर टू, ओके ऊपर वाला नंबर माइनस नहीं हो सकता बिकॉज रूट में है, कभी आप इसे भी रूट थ्री लिखें तो आप इसे रूट थ्री नहीं लिखेंगे, एज इट इज रहने देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। तो दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो फोर्थ पार्ट भी सिंपल ही है, इसी तरीके से चार पार्ट है हमारे पास, वन बाय रूट सेवन माइनस टू, तो क्या करेंगे टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट सेवन प्लस टू वी गेट। देखिए यहां पे क्या है, एक क्वांटिटी पे तो रूट है दूसरे पे रूट नहीं है, तो आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, आपके पास तो सिंपल दो ही क्वांटिटी है, दो क्वांटिटीज को सेम लिख लेना है, उनके बीच का साइन क्या होना चेंज होना चाहिए बस, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय रूट सेवन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय रूट सेवन प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट सेवन प्लस टू। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वन से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ जाएगा रूट सेवन प्लस टू, और ये रूट सेवन का स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है टू, टू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो क्या बन जाएगा रूट सेवन प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट सेवन का स्क्वायर सेवन रहेगा और टू का स्क्वायर फोर बन जाएगा, आंसर क्या आएगा रूट सेवन प्लस टू डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फोर विच इज इक्वल टू थ्री एंड योर आंसर इज फिनिश। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप इसे ट्राई कर सकते हो इसे रैशनलाइज करने की, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी स्टडी पर और ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू, आज के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी तरीके से अपनी स्टडी को आगे चलाते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।